अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम के मेरिट्स की और डी मेरिट्स की। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन और इसके सेलियंट फीचर्स पर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके पहले आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मेरिट्स के बारे में, जिसमें नंबर वन पे आता है यूनिटी बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के दरमियान यूनिटी होती है, इतिहाद होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर से कैबिनेट बनती है और जो कैबिनेट बनती है वो एग्जेक्टिव की हेड बन जाती है। इस तरह से इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों का आपस में यही कोऑपरेशन है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं फ्लेक्सीबिलिटी के बारे में। बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें कैबिनेट को हटाने या रखने में। मिसाल के तौर पर अगर कोई कैबिनेट अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि पूरी की पूरी कैबिनेट को चेंज कर दिया जाए। तो ये पार्लियामेंट का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन विद लेजिस्लेचर। इसका लेजिस्लेचर से क्या ताल्लुक होता है? लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव्स में जो कैबिनेट होती है वो एज अ ब्रिज काम करती है, एक ब्रिज होती है। लेजिस्लेचर से सिलेक्ट होती है और जो सिलेक्ट होती है कैबिनेट वो एग्जेक्टिव्स की हेड बन जाती है। इस तरह से इनका डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल वैल्यू के बारे में। एजुकेशनल वैल्यू में दरअसल ये होता है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है इसमें जो पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स होते हैं वो आके स्पीचेस करते हैं और स्पीचेस में क्लियर कट किए बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया और उनके काम से क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से ये एजुकेशनल वैल्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी की। होमोजेनिटी का मतलब होता है एग्रीमेंट या वननेस, मतलब कि कैबिनेट में एक एग्रीमेंट हुआ होता है कि अगर कोई बिल कोई पेश होता है तो हर किसी को उससे एग्री करना होगा। अगर कोई मिनिस्टर उससे एग्री नहीं करता तो उसे रिज़ाइन देना होता है। तो ये है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। इसमें वो यही बात करता है कि जो कैबिनेट है वो आंसरेबल होती है, जवाबदेह होती है लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर उससे क्वेश्चंस पूछती है। अगर कैबिनेट में कोई इतिहाद नहीं होता तो उस पर लेजिस्लेचर क्वेश्चन पूछती है। तो इस तरह से ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी जवाब देना। ये थे इसके कुछ मेरिट्स। अब हम बात करते हैं इसके कुछ डी मेरिट्स पे, जिनके नंबर वन पे आता है वीक सेपरेशन ऑफ पावर। मतलब कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बड़ा ही वीक होता है, मतलब कोई ठीक से नहीं हो पाता। कैबिनेट को ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं और लेजिस्लेचर को कम पावर्स मिलती हैं, जिसकी वजह से कैबिनेट एज अ डिक्टेटरशिप बन जाता है और पार्लियामेंट जो है वो अपने पावर्स को ठीक तरह से यूज़ नहीं कर सकती, जो सबसे बड़ा डीमेरिट। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, मतलब कि जो गवर्नमेंट में लोग आते हैं वो बिगनर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा पता नहीं होता, तो उन्हें कुछ साल गवर्नमेंट के सिस्टम को समझने में लग जाते हैं। जैसे कि मौजूदा हुकूमत पीटीआई की बात करें तो 2 साल उन्हें सिस्टम को समझने में लग गए थे। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी। चूंकि जो गवर्नमेंट में नए लोग आते हैं वो बिगिनर्स होते हैं, एमेच्योर्स होते हैं, इस वजह से वो ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, जिसकी वजह से वो कंट्रोल होते हैं ब्यूरोक्रेसी से। उसके बाद हम बात करते हैं अनस्टेबल गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट बड़ी ही अनस्टेबल होती है, मतलब कि इसका 5 साल का जो टेन्योर होता है वो बड़ी रेयरली मुकम्मल होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। जब नहीं होता तो जो वो पॉलिसीज बनाते हैं वो ख़त्म करनी पड़ती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। उसके बाद हम बात करते हैं नो कंटिन्यूइंग ऑफ पॉलिसी। इसमें भी वो यही बात करता है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। चलती क्यों नहीं है? क्योंकि टेन्योर ख़त्म हो जाता है, जब हुकूमत जाती है, नई हुकूमत आती है तो वो अपनी पॉलिसीज़ लेके आती है। तो ये थे इसके कुछ मेरिट्स और डी मेरिट्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।